दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार है और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल जीआरएस संतोष। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना के अंतर्गत तैनात ग्राम रोजगार सेवकों के विभिन्न संगठनों ने मिलकर ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति के माध्यम से 2 दिवसीय ट्विटर महाअभियान आंदोलन का पहला दिन सफल रहा। विभिन्न जनपदों में ब्लॉक कार्यालयों पर पहुंचकर रोजगार सेवकों ने ट्वीट अभियान को चलाया। हजारों रोजगार सेवकों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को टैग करके अपनी मांगों सहित 2 वर्ष पूर्व 4 अक्टूबर 2021 को डिफेंस एक्सपो वृंदावन लखनऊ में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मनरेगा कर्मियों का सम्मेलन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने इन कर्मियों के लिए कई घोषणाएं की थी जो इस प्रकार थी। 1, मनरेगा कर्मियों के लिए HR पॉलिसी 1 माह के अंदर लाएंगे। 2 नंबर पर है, रोजगार सेवकों की सेवा समाप्ति के पहले उपायुक्त मनरेगा से सहमत लेनी होगी। 3रा बिंदु है, ग्राम रोजगार सेवकों के जॉब चार्ट में ग्राम विकास विभाग के अन्य कार्यों को भी जोड़ा जाएगा। EPF की समस्या का निराकरण किया जाए। 5वां और अंतिम बिंदु है, मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश राजस्थान की तर्ज पर मानदेय की बढ़ोतरी की जाए। पहले 3 बिंदुओं की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने 2 वर्ष पूर्व की थी, पर अभी तक शासनादेश निर्गत नहीं हुए हैं। समिति का कहना है कि इससे मनरेगा कर्मियों सहित रोजगार सेवकों में रोष व्याप्त है। मुख्यमंत्री जी को याद दिलाने के लिए आज उनको व उनके अधिकारियों को ट्वीट के माध्यम से अपनी आवाज़ उन तक पहुँचाने का प्रयास किया गया है। यदि इस अभियान को लेकर सरकार ने कोई सुध नहीं ली तो विकास खंड स्तर पर 23 व 24 अगस्त को पुनः ज्ञापन कार्यक्रम किया जाएगा। तो आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर अवश्य करें और पुनः आप लोगों से एक बार फिर आग्रह करता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।